उत्तराखंड का जो मेन मुद्दा है वो है बेरोजगारी और शिक्षा। धर्म को लगातार राजनीति के भीतर लेके जा रहे हैं, हमें शिक्षा चाहिए। कांग्रेस ने था और काटा है बीजेपी ने। धरा की देवभूमि और लोकतंत्र की रणभूमि है ये। ये उत्तराखंड की श्रीनगर विधानसभा सीट है जहां इन दिनों चुनावी रण प्रचंड है। और हमारे मित्र भाजपा वाले मित्र हमारे बैठे हैं सभा से, छोटे भाई विनीत पुष्प, हाँ। ये भी विरोध में थे अभी सरकार के। न्यूज नेशन की केदार टू काशी चुनावी यात्रा भी रुद्रप्रयाग के बाद श्रीनगर पहुंची है। नमस्कार, प्रणाम, मैं विद्यानाथ झा हूं और आप देख रहे हैं केदार टू काशी, हमारी ये खास यात्रा जो राजनीतिक भी है और धार्मिक भी है, इसलिए हमने इसे कहा है चुनावी तीर्थ यात्रा। और हिंदुस्तान को चमत्कारों का देश कहा जाता है। आप हिंदुस्तान में घूमेंगे तो अलग अलग जगहों पर आपको चमत्कार की कई तस्वीरें दिखाई देंगी। उत्तराखंड में चमत्कारी एक मंदिर है और अब हम पहुंच चुके हैं इसी मंदिर पर। ये धारी देवी माता का मंदिर है। इस मंदिर को कहा जाता है कि चार धामों की ये माता रक्षक हैं। और आप देखेंगे कि ये झील के बीच में पिलर्स के ऊपर मंदिर है, ये खास मंदिर है। और जो तीर्थयात्री यहाँ से गुजरते हैं माता का आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं, क्योंकि मान्यता ये भी है कि माता इन तीर्थयात्रियों की रक्षा ज़रूर करती हैं। तो आज हम अपनी इस यात्रा की शुरुआत यहीं से करते हैं और श्रीनगर में चुनावी तीर्थ यात्रा को हम आगे बढ़ते हैं। 2017 के चुनाव में श्रीनगर विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में गई थी। तब बीजेपी के डॉक्टर धन सिंह रावत ने कांग्रेस के गणेश गोदियाल को हराया था। डॉक्टर धन सिंह रावत उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं और 2017 में वो पहली बार श्रीनगर विधानसभा सीट से विधायक बने। सवाल है कि क्या इस बार भी धारी देवी का आशीर्वाद उन्हें मिल पाएगा। श्रीनगर में हल्की बरसात के बीच यहाँ के सियासी तापमान का जायजा लेने न्यूज नेशन की टीम पहुंची शहर के गोला मार्केट में। चुनावी तीर्थ यात्रा में अब हम पहुंच गए हैं श्रीनगर के गोला मार्केट, गोला पार्क के पास। देखिए, और कहते हैं कि यहीं से अपनी जनसभाओं को शुरू करके उत्तराखंड के कई नेता बड़े नेता बन गए और देहरादून तक चले गए और मंत्री बने। एक मंच पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता और समर्थकों का ये जमावड़ा श्रीनगर की सियासी नब्ज पकड़ने का सबसे बेहतर मौका था। जी माता जी, क्या सरकार कैसी चाहिए जो सिर्फ जनता और जनता के कामों पर ध्यान दे या तीर्थ स्थानों पर भी ध्यान दे? तीर्थ स्थानों पर भी ध्यान दे और ईमानदारी से सरकार चलाए, गरीबों को भी देखिए, सबको सबको साथ में लेके चलिए। अच्छी सरकार चाहिए, बताइए। बिल्कुल अच्छी सरकार, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। अब आते हैं इधर, देखिए कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। आप लोग अभी 5 साल से सत्ता में नहीं हैं, चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी ने एक ट्रेंड सेट कर दिया है कि देखिए हम तो जनता की सेवा कर ही रहे हैं लेकिन धार्मिक स्थलों पर भी ध्यान दे रहे हैं। मोदी जी आते हैं, केदारनाथ जाते हैं, वहाँ पर जीर्णोद्धार का जो कार्य होता है उसको लेकर बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। कैसा लगता है ये सब देखकर सुनकर? अभी आपने देवस्थानन बोर्ड का जिक्र सुना होगा, कुछ दिनों पहले वो वापस ले लिया। हाँ, मजबूरी में, मतलब वापस लेना पड़ा। और इनकी नज़र, भारतीय जनता पार्टी के सरकार की नज़र, जो वहाँ के तीर्थ पुरोहितों को दान मिलता है उस रुपए पे इनकी नज़र थी। क्या ऐसा, क्योंकि बीजेपी वाले हैं, क्या ऐसा कर रहे थे आप लोग? आप अगर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में वैष्णो माता की श्री साइन बोर्ड है, सरकार द्वारा वहाँ उसका भी गठन किया गया था, तो क्या वहाँ भी इस प्रकार की वो हो रहा था? और अगर देवस्थानम बोर्ड बनाया भी गया था तो जनता की सुविधाओं के लिए बनाया गया था, और उसमें अगर पंडा समाज राजी नहीं हुआ है तो फिर उसको उन्हीं के अनुसार वापस लिया, उनकी खुशी के लिए वापस लिया। आप लोग बीच में खड़े हैं और बीच में इस बार हैं भी आप लोग, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आप लोग आ गए हैं, तो ये धर्म और राजनीति का जो संगम है, समागम है, इसके बीच में मैं आऊंगा ना वापस आपके पास आऊंगा। तो इसमें आप लोग कहाँ हैं? ये धर्म की जगह धर्म है और धर्म पहले है, हम मानते हैं। देखिए देवस्थानम बोर्ड जो वापस दिया है 734 दिन का, जो हमारे बाबा लोग थे, पुरोहित थे, उन्होंने धरना दिया, प्रशासन दिया,
है कि नहीं, जितना उनको तंग किया गया, उसके बाद जब अकल आई, जब चंद्र रावत जी को वहाँ पे भगाया गया है ना, उसके बाद इनको अकल आई कि वाकई में हमने गलत किया, इन्होंने उसको वापस दिया इसको। आप लोग कह रहे हैं कि तीर्थ स्थान को डेवलप करेंगे आप लोग, वो हमारे मैनिफेस्टो में सर 2012 से ही है तीर्थ यात्रा। 2012 से दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार ने जो बुजुर्ग है ना, बुजुर्ग लोगों को रामेश्वरम में और जितने भी यहाँ पे हमारे तीर्थ स्थल है, अभी बजाय उत्तराखंड में गवर्नमेंट नहीं है तो इन जगहों पे हमारा ऑलमोस्ट पूरा फोकस है। अच्छा, आप भी आम आदमी पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी से। बीजेपी वाले आगे आइए भैया, पीछे खड़े हैं, सरकार है तब भी पीछे खड़े हैं आप लोग। बताइए, कह रहे हैं कि भैया तो तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, आप लोग क्या कराएंगे? नहीं देखिए, जिस तरह से अभी यहाँ पे देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा उठा, मुझे लगता है कि हम लोगों ने विकास का बिल्कुल विरोध नहीं किया और विकास के जो बयार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और हम लोग देखेंगे 2013 के बाद एक नया मॉडल, एक नया रूप केदारनाथ धाम को मिला है और उसी तरह से बद्रीनाथ धाम में भी एक विकास की एक नई बात बहने जारी है। क्या ये जो विकास की बात कर रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है कि वो विकास का काम आप लोग नहीं कर पाए इसलिए अब बीजेपी उस रास्ते पर आगे जा रही है? नहीं नहीं, कांग्रेस ने तो पहले ही ये सारा कुछ किया था, बीजेपी तो अब आई है जब गोदियाल जी की आपदा में, जब धाम केदारनाथ धाम बुरी तरीके से उस आपदा से प्रभावित था, क्षतिग्रस्त था, जब उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो अभी स्कूटर मुख्यमंत्री है भाजपा के पास है, उन्होंने कहा था 15 साल तक यात्रा करना संभव नहीं है। उस समय हरीश रावत जी ने ये दृढ़ निश्चय किया और तो 2-3 महीने के बाद यात्रा प्रारंभ कर दी। तो ये आज जो कांग्रेस ने कार्य किए, जो उन्होंने धरातल को स्टार्ट किया, जो नींव की, आज उसी बोई भी फसल को भाजपा काट रही है। भाजपा ने नया क्या किया? क्या किया भाई बताइए भाजपा ने? एक इंसान है, एक शख्स है कर्नल कोटियाल जी, जिन्होंने केदारनाथ घाटी का दोबारा से पुनर्निर्माण किया है और छह महीने में सिर्फ यात्रा शुरू करके दिखाई है। एजेंसी उनके पास थी, ठेका कल मुझे मिलेगा तो मैं भी काम करूंगा। चलिए, ये राजनीतिक लड़ाई है और आप देखेंगे कि ये वही पार्क है जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से कई बड़े नेता भाषण देकर सभा करने गए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो बीजेपी कांग्रेस सभी पार्टी के नेताओं के बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। अब जनता किसको चुनेगी ये तो जनता को ही तय करना है, लेकिन हम अपनी यात्रा को अब आगे लेकर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे साथ। श्रीनगर विधानसभा सीट 2017 में बीजेपी के खाते में आई। 2012 में कांग्रेस के गणेश गोदियाल ने बीजेपी के डॉक्टर धन सिंह रावत को यहां हराया था। 2007 में बीजेपी के ब्रिजमोहन कोतवाल ने कांग्रेस के सुंदर लाल मंद्रवाल को यहाँ हराया था। पिछले 4 चुनाव में ये सीट 2 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस के खाते में रही। सत्ता पक्ष के दावे और विपक्ष के पलटवार के बीच सियासी दलों के समर्थकों की सियासी सोच भी यहां कम मायने नहीं रखती। उत्तराखंड में कैसा माहौल है, चुनावी माहौल है? अच्छा प्रयास है सरकार का, फिलहाल आगे देखो। अभी सुना है कि स्टेडियम भी बना है। वोट देती हैं कि नहीं देती हैं? देते हैं। और क्या फायदा बेटा वोट दे के, कोई फायदा नहीं है। किसी को भी दो चाहे वोट, इस समय सभी आ रहे हैं कि हमें दो और बाद में फिर सबके बच्चों को, जिस घर में 4 बच्चे हैं, 1 बच्चा तो लगाए किसी के नौकरी में, परिवार तो चले उसका कम से कम, ऐसे हम क्या वोट देना किसी को। अपने अपने जेब भर रहे हैं, अपने अपने उसके भर रहे हैं जेब। नेताओं के दावों से इतर श्रीनगर की पहचान माता धारी देवी मंदिर की वजह से भी है। मान्यता कहती है कि माता धारी देवी ही चारों धाम की रक्षक है। एक बार यहाँ पर बाढ़ आई थी बहुत जबरदस्त और तब माता धारी देवी की जो मूर्ति थी वो यहाँ पर बहकर आ गई थी और पास में ही धारी गांव है यहाँ पर, तो ऐसा कहा गया कि आकाशवाणी हुई और गांव के लोगों को ये कहा गया कि माता को यहाँ स्थापित कर दिया जाए, तो माता को यहाँ स्थापित कर दिया गया था। आपको पता ही होगा 2013 की जो आपदा थी, वो जैसे देवी को उठाना हुआ उसी दिन प्रलय हुआ। सबका मानना ये हुआ कि देवी को हिलाने से ही जो भी विनाशकारी जो प्रलय आई है वो इसी कारण हुई है। जब से प्रलय आई है पूरे हमारे भारतवर्ष, इवन कि इंडिया से बाहर जो कंट्रियां हैं उनको भी पता है कि माँ की मान्यता क्या है। तो हम अपनी इस यात्रा में अब आगे बढ़ेंगे और चलेंगे श्रीनगर, और श्रीनगर में गलियों में सड़कों पर चलकर बात करेंगे
चुनाव की तीर्थ यात्रा में धर्म और राजनीति पर लोग क्या सोचते हैं। मंदिर है तो यहाँ छोटा मोटा कारोबार करने वाले लोगों का घर चलता है। पर्यटक आते हैं तो इनके चेहरे पर खुशियां झलकती हैं। लोग भी मौजूदा सरकार के कामकाज को लेकर भरोसा जताते हैं। ये बताइए कि अभी आपके प्रदेश में चुनाव भी होने जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे अभी वर्तमान जो सरकार है उसके लिए, या फिर आपको लगता है कि ऐसे जो धर्म स्थान हैं इन स्थानों के लिए कोई और नेता, कोई और सरकार भी सुटेबल हो सकता है? नहीं, ठीक है, ये सरकार ठीक है। ये हटा है, काम हुआ है, बहुत काम हुआ। धार्मिक स्थलों को लेकर, धार्मिक स्थलों में सुधार हुआ है। तो क्या लग रहा है कि इस बार के चुनाव में माहौल क्या है, और दूसरा ऐसे स्थानों के लिए नेता कौन से, किस तरह के नेता होने चाहिए, योगी जैसे, मोदी जैसे, हरीश रावत जैसे, राहुल गांधी जैसे, प्रियंका गांधी जैसे? जी, इस बार यहाँ उत्तराखंड में विकास तो काफ़ी हुआ है जब से भाजपा की सरकार आई है, और पहले रोड़े नहीं बनी हुई थी, हरिद्वार ऋषिकेश पूरा जाम रहता था, और कुंभ के इस बार कुंभ पे पूरे रोड़े भी बन गई है अच्छी, और आगे अपना ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल योजना भी चल रही है, उसका भी काम बढ़िया चल रहा है। तो बम है जी, बम है, हर हर महादेव है, हर महादेव भी है, अगली बार भी बीजेपी आएगी यहाँ पे। अच्छा, चलिए, ये आपकी मनोकामना है, लेकिन माता की कृपा किस पर है वो भी देखते हैं। बस यही दिख रहा है कि लोगों की ज्यादातर यहाँ पर विचारधाराएं यही हैं कि भाई मोदी जी से सब जुड़े हुए हैं। हाँ। लेकिन अगर धरातल की बात करी जाए तो जो यहाँ के नेता हैं धरातल वाले, जनप्रतिनिधि, क्षेत्र प्रतिनिधि हम जिनको बोलते हैं, उनके काम से ज्यादा खुश नहीं है। सन्यासी अगर राजनीति में आ जाएं तो राजनीति करने वाले कहाँ जाएंगे? देखो, सबसे बड़ी बात लोगों को यही समझनी चाहिए, जो सन्यासी होता है वही सबसे बड़ा शासक हो सकता है, और वही उसी के अंदर सबको साथ लेने वाली बात होती है, क्योंकि उसका अपना स्वयं का तो कुछ नहीं होता है, ना उसका पिता है कोई, ना उसके बेटा है कोई, ना पत्नी है, उसके लिए पूरा समाज ही अपना होता है, वो पूरी समाज का सोच के चलता है, और इसलिए वो पूरे विश्व पटल पर अपने क्षेत्र को, अपने देश को, अपने प्रदेश को आगे लाने की कोशिश जरूर करता है। आम लोगों की सियासी नब्ज की पड़ताल करने के बाद हमारा अगला पड़ाव था उत्तराखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, जहां हमें ये पड़ताल करनी थी कि आखिर उत्तराखंड के छात्रों के लिए धर्म का सियासी डोज कितनी अहमियत रखता है। मन में यही सवाल लिए हम अपनी यात्रा पर निकले ही थे कि हम रास्ते के किनारे इस दुकान पर रुक गए। वजह ही ऐसी थी, हमारी इस यात्रा में हमारी नजर एक दुकान पर पड़ती है, और मुझे पता लगता है कि हरक सिंह रावत जो कि प्रदेश में मंत्री हैं, उनके पिताजी की ये दुकान है। हमने अपनी गाड़ी रोक दी है और बाऊजी से हम बात करेंगे। इतना सिंपल तरीके से आप रहते हैं, एक मोदी जी की माता जी हैं, वो आज भी बेटा प्रधानमंत्री है लेकिन अभी भी उसी सादगी में वो रहती हैं, नज़र आती हैं, और आप छोटी सी दुकान पर सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं। सब लोगों को दर्शन करता रहता हूँ और सबको लोग आशीर्वाद लेके हाथ जोड़ता रहता हूँ, बस यही हमारा उद्देश्य है, शांति रहे, पूरे हिंदुस्तान में शांति रहे, बस यही मैं विचार है। बेटे आते हैं मिलने के लिए, बात होती है? बेटा का तो बहुत सपोर्ट होता है, बेटा तो अब हमारा जो बेटा है बहुत मेहनती है और वो अपने काम पर निर्भर रहता है, सारा मिल जाता है और उसी के सारे से जो है पूरा मतलब काफी चलता है। बेटे को बताते हैं कि भाई मंत्री हो तुमको ये काम करना चाहिए प्रदेश के लिए, जनता के लिए, मार्गदर्शन होता है आपका उनको? बिल्कुल, सब बात बताता हूँ मैं, और सब मैं ये कहता हूँ कि कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो और सबका भलाई करते रहो और विकास में सबका हाथ बटोरते रहो, सबको आशीर्वाद से उसको रास्ता दिखाते रहो। आपके बेटे पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आ गए, तो ये कांग्रेस टू बीजेपी, अब सरकार बीजेपी की है, अब फिर से चुनाव होने जा रहे हैं, तो चुनाव को लेकर, क्योंकि आप तो बैठते हैं सबसे मिलते जुलते होंगे, क्या बात होती है, लोग क्या चाह रहे हैं? मैंने चाह तो क्या रहे, लोग ये चाह रहे हैं, केवल व्यक्तिगत जो है मेहनत है, अपनी अपनी मेहनत है, लोग व्यक्तिगत चाह रहे हैं, सार्वजनिक जो है पार्टी को तो यह है कि अपना अलग अलग ध्यान देता, अलग अलग काम है, काम के ऊपर नेता बनता है, जो अच्छा काम करेगा वही नेता है, वो अपने ऊपर से निर्भर रहता है। हरक सिंह रावत उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, पहले कांग्रेस और अब बीजेपी के साथ हैं। तेज तर्रार नेताओं में उनका नाम शुमार किया जाता है, लेकिन क्या नेता की ऐसी ही पृष्ठभूमि उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाती है?
आखिर उत्तराखंड के युवा धर्म और सियासत के घालमेल को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं, यही समझने के लिए हम पहुंचे गढ़वाल के एजुकेशनल हब कहे जाने वाले श्रीनगर के इकलौते केंद्रीय विश्वविद्यालय में। उत्तराखंड में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। हम इसी विश्वविद्यालय के परिसर में प्रांगण में खड़े हैं। आप लोग इस आने वाले चुनाव को किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड में हो या पूरे देश भर में, फीस तो लगातार बढ़ रही है, शिक्षा महंगी होती जा रही है और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में पलायन का जो मुख्य कारण है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, उसमें से शिक्षा एक मुख्य मुद्दा है। यहाँ जितने भी यूथ हैं उनका जो सवाल है वो धर्म को लेकर के शायद नहीं है किसी का भी, उनका सवाल है कि उनको आने वाले दिनों में रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनको आने वाले दिनों में अच्छी बेहतर शिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी। दो साल से हम कोविड का देख रहे हैं, क्राइसिस देख रहे हैं, उसमें रोजगार सारा खत्म हो रहा है लोगों का। तो उत्तराखंड के लिए कोई अलग सवाल नहीं है या यूपी के लिए अलग सवाल नहीं है। हमने पिछले साल देखा कि आप उत्तराखंड से हैं कि यूपी से हैं? मैं उत्तराखंड से हूँ। अच्छा, बोलिए। उत्तराखंड का जब लोग मर रहे थे यहाँ कोविड से, तो किसी धर्म ने या धर्म गुरु ने नहीं बचाया उन्हें, उन्हें अस्पतालों ने बचाया, डॉक्टरों ने बचाया, पर आज के दिन पर हम देख रहे हैं कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है, उनकी पूरी नर्सों की भर्ती के लिए यहाँ 4 बार विज्ञापन निकल गए हैं, लेकिन वो अभी तक भी उसका सोल्यूशन क्या है हमें नहीं मालूम। हमारे राजनेता उस पर आजकल जब रैलियाँ कर रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं या कोई दूसरा कोई नेता आ रहा है, कल को यहाँ प्रियंका गांधी आने वाले, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि उन अस्पतालों में डॉक्टर कैसे भेजेंगे, पहाड़ों में डॉक्टर कैसे भेजेंगे। धर्म व्यक्तिगत मामला है, उसको राजनीति में इन्वॉल्व करना मेरे हिसाब से गलत है। मुझे तो लगता है अभी जिस तरीके से देश में या अभी लगातार प्रदेश के भीतर राजनीति चल रही है, अगर मैं उसको कुछ शब्दों में कहूँ तो मुझे लगता है ये डुगडुगी वाली राजनीति चल रही है। धर्म अपनी जगह है, अभी हमारे और साथियों ने भी कहा है कि धर्म अपनी जगह है। एक व्यक्तिगत मेरा मानना हो सकता है, मैं किस तरीके से, अगर आप धर्म के भीतर जाओगे तो अलग अलग तरीके से हम हिंदुओं में भी अलग अलग तरीके से मानते हैं, वो अलग अलग हमारा एक विषय है। कौन है आपका फेवरेट नेता? माननीय मोदी जी हैं, वो सभी के नेता हैं। आपका फेवरेट नेता कौन? मेरा कोई नेता फेवरेट नहीं है। फेवरेट नहीं है? भगत सिंह मेरे फेवरेट आइडियल है। आपका? जो शिक्षा दे। कोई ऐसा है, नजर आता है, फेवरेट है कोई? अभी तो विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा। विधानसभा चुनाव कौन है आपका फेवरेट नेता? जी, जो रोजगार और शिक्षा की बात करेगा और इस पहाड़ जैसे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करेगा, वो हमारा पसंदीदा है। बिल्कुल सर, जो शिक्षा रोजगार और स्वास्थ्य की बात करेगा उसी, वही हमारा नेता है। उत्तराखंड की अनुमानित आबादी इस समय 1,10,00,000 से ज्यादा है। आबादी में 83% हिंदू हैं और करीब 14% मुसलमान। राजनीतिक लिहाज से उत्तराखंड यूपी नहीं कहा जा सकता, जहां धार्मिक ध्रुवीकरण से 20% बनाम 79% को लामबंद करके चुनाव जीता जाए। यही वजह है कि धर्म की सियासत कर सत्ता पाने के रास्ते में कई घुमावदार मोड़ दिए हैं।